Hey, what's up everyone? Hope you guys doing well. Right now I am in Spain, Seville. It's Seville, something like that. ये जगह है जिसका नाम है Plaza de España. Pronunciation गलत हो सकती है, but anyways, ज़बरदस्त जगह है और वहाँ पे पीछे म्यूजिक भी चल रहा है. So, it's a lovely place. Weather पहले चेक किया था तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी दबाया तो it's not really great. अभी मैं हूँ 3 दिन के लिए यहाँ पे और इंशाल्लाह यहाँ की जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि सिविल ये स्पेन में क्या क्या है. ठीक है जी, आ जाए. हाँ जी, यहाँ से तो अभी हम होके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अभी निकल रहे हैं, एक आध जगह और विज़िट करेंगे अभी, फिर आगे फिर 2 दिन हैं इंशाल्लाह, थर्सडे एंड फ्राइडे. सीता तीस वे, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, पर ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बना हुआ है सारा, ये वुड का है एंड इट इज़ अमेजिंग. पीछे ये लिखा हुआ है सवे, आई लव सवे. मुझे यहाँ पे दिन में आना था लेकिन बारिश होगी और तनाज करूँ, अभी भी शाम में यहाँ पे आया. अभी अच्छा मौसम है. हाँ जी, अभी लंच किया है और हमने टिकट बुक किए हुए रॉयल अल्कज़ार के तकरीबन 5:30 बजे के. आज मौसम बहुत प्यारा है और आज वहाँ का विज़िट करेंगे. काफ़ी बिजी था, काफ़ी लंबी क्यू थी, तो टिकट हमने ले ली है. 2-3 घंटे बाद वहाँ पर जाएँगे, अंदर से भी वहाँ की वीडियो बनाएंगे. कल ज़बरदस्त किस्म का मौसम था लेकिन शाम में बहुत ज़ोर की बारिश हुई, थंडर स्टॉर्म था. पर टुडे डे हैज़ बीन रियली नाइस एंड या आगे चल के देखते हैं आज का दिन हमारा कैसे गुजरता है. जब भी आपका प्लान बने स्पेन में आने का, तो 2 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि एक तो वेदर चेक कर लीजिए क्या होना चाहिए, दूसरा थोड़ी सी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप क्या करने वाले हो और किन किन जगहों पे जाने वाले हो. कुछ चीज़ों के लिए आपको टिकट पहले बाय करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी लंबी क्यूज़ होती हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर इज़ वन. तो अगर आप पहले टिकट बाय कर लोगे, मे भी थोड़े से महंगे होंगे पर सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम. तो अभी जैसे मैंने पहले कहा कि हमने टिकट तो बाय कर ली है, वी हैड टू जॉइन द क्यू फॉर 2 आवर्स और अभी 1-2 घंटे तक वहाँ पर जाएँगे. अभी खाना खाया एंड थोड़ा सा हर जगह यहाँ पर नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है. ये जी मेरे पीछे जो है ये है लॉप द वेगा थिएटर है. सो इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल, लोग यहाँ पर रुक के पिक्चर्स बना रहे हैं इन द वॉकिंग. बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप मौसम अच्छा है और आप वॉक करते हो एंड यू फील गुड, लाइक यू कैन वॉक अराउंड हियर. और ज़्यादातर लोग मैंने यही देखे हैं कि वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह हैं क्योंकि दूर नहीं है, सब नज़दीक नज़दीक ही है. आज भाई क्रॉस करें, वैसे द लाइट इज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम. ऑलमोस्ट है, ये लोगों ने स्टॉल्स लगाए हैं यहाँ पे, ये हाथ से कुछ बना के दे रहा है ये भी, और जो घोड़े खड़े हैं उनकी बड़ी ही यहाँ पे स्मेल आ रही है, जो क्या होता है इनकी जो बोलते हैं आप इसको स्टिंग्स बैड. अगर आपने तस्वीरें खिंचानी है इनके ट्रेडिशनल यहाँ के कपड़े पहन के फ्लेमिंगो जो डांस करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे लोग खड़े होके अपनी तस्वीरें बनाते हैं ये 2 यूरोज में.
अभी मैं अंदर आ गया हूँ जी रॉयल अल खजा के, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है और रोशनी थोड़ी कम हो रही है, बट इट्स स्टिल ब्यूटीफुल। चल चल के बुरा हाल हुआ है और ये बहुत ही बड़ा अंदर से। बहुत ज़बरदस्त किस्म की वाइब है यहाँ पे, डांस है, इट्स अमेजिंग वाइब है ना, वो क्लास की यहाँ पे। और जो सुन के म्यूज़िक की ओबियसली समझ तो खास नहीं है, बनाए को समझ आ रही है वो क्या गा रहा है, लेकिन जो ये वाइब है ना, इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग।